नमस्कार दोस्तों, बिजनेस किस चीज़ से चलता है? क्या आपकी स्किल से, आपके पैशन से, आपके पैसे से, स्ट्रेटजी से? इन चार में से आप क्या ऑप्शन चूज करेंगे? अपना ऑप्शन कमेंट में मेंशन कीजिए, क्योंकि आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि इन सभी की अपनी अपनी क्या इंपॉर्टेंस है और किस टाइम पे किस चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जब आप बिज़नेस शुरू करने की सोच ली आपने, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक घोड़े की तरह, घोड़े के आपने देखा होगा कि ऐसे एक वो लगे होते हैं जिससे कि वो सिर्फ सामने का देखे, इधर उधर का मत देखे, तो आपको वैसे ही हो जाना है। आपको सिर्फ अपने ही बिज़नेस के बारे में सोचना है, खाना है, अपने बिज़नेस में पूरा उतर जाना है एंड टू एंड, और ये देखना है कि कैसे आप अपनी इनिशियल स्टेज में ही अच्छे से चीज़ों को प्लान और स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। तो प्लानिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपके बिज़नेस का। डेफिनेटली आपकी खुद की स्किल्स बहुत काम आने वाली हैं, चाहे वर्बल हो या रिटन हो, या टीम मैनेजमेंट की स्किल्स हो, या क्लाइंट से कैसे बात करनी है, कैसे नेगोशिएट करना है डील्स को, डेफिनेटली वो सब चीज़ें बहुत काम आएंगी। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी राइट ऑडियंस हैं, कौन से राइट कस्टमर्स हैं, किन वेंडर के थ्रू आप अपने कस्टमर को प्रॉपर तरह से डिलीवरी दिलवा पाएंगे। अगर आप मान लीजिए आउटसोर्सिंग करा के काम करते हैं, या अगर खुद से काम करते हैं, तो कैसे आप अपनी जो ऑफरिंग्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से प्रोडक्टाइज करके आप क्लाइंट को दे सकते हैं। जब मैं प्रोडक्टाइज बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट्स के लिए है, सर्विसेज को भी प्रोडक्टाइज किया जा सकता है। अब बात करते हैं इन चार चीज़ों की जिनकी बात से मैंने ये वीडियो स्टार्ट की थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक स्किल्स की। जैसे मैंने बोला, नेगोशिएशन स्किल्स आपकी बहुत मैटर करती है बिज़नेस के लिए, कैसे आप नेगोशिएट करते हैं। एचआर स्किल्स आपकी बहुत मैटर करती है, और आपकी वो प्रोफेशनल स्किल्स या प्रोफिशिएंसी या वो स्किल्स जिनके बेसिस पे आपने बिज़नेस शुरू किया। मान लीजिए आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप एक वेब डेवलपर हैं, आप एक अकाउंटेंट हैं, आप ट्रेडर हैं, आप किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर आप कर रहे हैं, अगर मैन्युफैक्चरिंग में आपका एक्सपर्टीज़ है, आप कोई इंजीनियर है, मान लीजिए सिविल या मैकेनिकल इंजीनियर है, तो डिपेंड करता है कि आपका डोमेन जो आपने चूज़ किया, जिसमें पढ़ाई की, जिसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करी, या जिसमें कुछ समय आपने नौकरी करी, या कुछ पहले बिजनेस किया आपने, आपका कुछ एक्सपीरियंस है, आपको लगता है कि हाँ ये आपकी स्किल है, उस पर आप कैपिटलाइज करें। हाँ, अगर आपने कुछ नहीं किया अभी, आप स्टूडेंट हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, उस केस में आपको हो सकता है कि चीज़ें करके पता लगे कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं। तो आपके लिए है कि आप बस करें, जस्ट स्टार्ट करें, इवेल्युएट करें, जहाँ से अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हुए उस चीज़ पर फिर ज़्यादा काम करें। मान लीजिए आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पे वीडियोस डालें, जिस तरह के कंटेंट पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, लोग ज़्यादा आपको पसंद कर रहे हैं, उसी कंटेंट पे आप उससे रिलेटेड कंटेंट पे ज़्यादा कंटेंट बनाकर डालें, एग्जांपल के तौर पे। अब बात करते हैं पैशन की। अब स्किल वर्सेस पैशन, अब पैशन की बात हो रही है, तो आज का जो मैच है अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस, मबापे के बारे में आपने सुना होगा, मैसी के बारे में भी आपने सुना होगा, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में भी आपने सुना होगा। मैं ऐसा ही पढ़ रहा था कि जितने गोल्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मैसी अपनी पिछली वर्ल्ड कप की अपीयरेंसेज हैं जो उनकी उसमें किए हैं, मबापे ने शायद उतने या उससे ज़्यादा गोल वो कर चुके हैं, और अभी उनके पास और भी दो तीन वर्ल्ड कप्स की मियाद है जिसमें वो और खेलेंगे। तो पैशनेट कौन है सबसे ज़्यादा इन तीनों प्लेयर में से, अगेन आप कमेंट करें। मेरे हिसाब से तीनों अपनी अपनी जगह पूरे पैशनेट हैं अपने स्पोर्ट को लेकर, अपनी स्किल को लेकर। लेकिन अगर बात करूँ तीनों में से टॉप रैंकिंग में सबसे ज़्यादा मेहनती कौन है, सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो मेरी नज़र में, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ। और स्किल के मामले में अगर देखें, मेहनती तो मैसी भी बहुत है, बट स्किल के मामले में देखें तो स्किल में मैसी टॉप पोजीशन पे आते हैं, और मबापे को मैं बोलूँगा कि वो एक उभरते सितारे हैं, बहुत अच्छा उन्होंने किया है, एक वर्ल्ड कप ऑलरेडी जितवा चुके हैं, पहले ही वर्ल्ड कप जितवा चुके हैं। तो अब इन तीनों प्लेयर का जो मैंने एग्जांपल लिया, इसमें पैशन तीनों के अंदर है, तीनों ने नाम कमाया है, दुनिया में लोगों ने जानते हैं। मैं बहुत बड़ा कोई फॉलोअर नहीं हूँ, लेकिन वर्ल्ड कप में मैंने मैचेस देखे हैं पिछले कुछ, तो मुझे भी इन प्लेयर्स के बारे में थोड़ी और जानकारी मिली। मैसी और रोनाल्डो के बारे में डेफिनेटली हमने सुना ही है, बट कुछ और नए प्लेयर्स जैसे मबापे भी हैं, जैसे नेमार जूनियर हैं। तो अब क्या है कि ये जो प्लेयर्स हैं, इन्होंने कैसे नाम कमाया? उन्होंने भी अपने पैशन से नाम कमाया, क्योंकि स्किल्स तो इन सबके पास है। ऐसे ही आपको भी अगर नाम कमाना है, पैशनेट होना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये दूसरी चीज़ भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ फाइनेंसिस, पैसा। अब कोई भी बिज़नेस जब आप शुरू करते हैं, दो तरह से होता है। जैसे अंबानी जी के बेटे हैं, उनके पास पैसा खूब है, ठीक है, तो उन्होंने जियो खड़ा किया, 45 लाख करोड़ के लगभग उन्होंने कैपिटल लगाया उस टाइम पे। ये नहीं कि वो एक दिन में सब कुछ हो गया, पूरा प्रॉपर प्लान था, 8-10 साल पूरी उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, अपना पूरा एक सिस्टम सेटअप किया, उसके बाद उसको लॉन्च किया। लॉन्च करने का समय हो सकता है उनका बहुत अच्छा हो, बट जो उनके बेटे साहब हैं, जो मुकेश अंबानी जी के जो बेटे हैं, उनको ये नहीं है कि वो एकदम से उन्होंने दे दिया, धीरे धीरे उनको इन्वॉल्व किया चीज़ों में, उनको सिखाया साथ साथ, प्रैक्टिकली इन्वॉल्व करके, फिर उनको वो एक तरह से बोला कि आप इसको अब टेक ओवर कर लें और आप ये टेकअप करें आगे इसकी ग्रोथ के लिए, बिकॉज ये न्यू एज बिजनेस है। और 5G भी अब लॉन्च होगा, 5G में भी उन्होंने बोला कि सबसे पहले लॉन्च करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि मुकेश अंबानी जी ने उसको बिल्कुल देखना छोड़ दिया होगा। बट फाइनेंसिस की बात कर रहा हूँ तो एक ये एग्जाम्पल है। दूसरी तो अगर दूसरे उसमें देखें तो जीरोधा का एग्जाम्पल है।
दो भाई हैं, नितिन कामत और निखिल कामत। अब ये जो कामत ब्रदर्स हैं, इन्होंने जिरोधा स्टार्ट किया, बूटस्ट्रैप स्टार्टअप है, आज तक कोई फंडिंग नहीं ली, और फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं, 8-10 हज़ार की कॉल सेंटर में जॉब करते थे, और देखिए कहाँ तक पहुँच गए हैं। तो दूसरा ये एग्जाम्पल है। अब क्या है कि इन दोनों एग्जाम्पल में फ़र्क क्या है, एक वो जो फैमिली ओन बिजनेस है, ऑलरेडी बहुत बड़ा नाम है अपने आप में रिलायंस, वो चीज़ें कैसे उनकी भी एक सिस्टम से सक्सेशन प्लानिंग प्रॉपर हुई है और चीज़ें आगे बढ़ी हैं, और जीरोधा को भी एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से ही इन्होंने आगे बढ़ाया। लेकिन अगेन स्किल्स और पैशन दोनों चीज़ें इनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंसिस के मैं बात ये कर रहा था कि जो जीरोधा है उसके पास फंड्स नहीं थे उन लोगों के पास, तब भी वो कहाँ तक ले गए, क्योंकि उन्होंने एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाया, उसको धीरे धीरे और रीबिल्ड करते गए, वर्जनिंग करते गए, अपग्रेड करते गए, और इस लेवल पे ले आए अपने स्किल और पैशन से कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा यूजर्स शायद उनके प्लेटफॉर्म पे हैं और सबसे ज़्यादा पसंद भी उसी को ही करते हैं लोग ट्रेडिंग के लिए जीरोधा को। तो आप भी ऐसा ही करें, आप भी अपना प्रोडक्ट या सर्विस कोई बना रहे हैं तो एकदम से ना सोचें कि अगर पैसा नहीं है तो काम नहीं कर सकते, आप भी काम कर सकते हैं, छोटे लेवल से शुरू करें, धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। हो सकता है ये बूटस्ट्रैप का एग्जांपल मैंने दिया, हो सकता है कि आप एक एमवीपी बना के इन्वेस्टर के पास जाएं, उनसे कुछ फंडिंग आप लें, या स्टार्टअप इंडिया सीड फंडिंग में आप अप्लाई करें अपने प्रोटोटाइप के लिए, या किसी और अन्य फंडिंग स्कीम में आप अप्लाई करें और अपने बिजनेस को एक इनिशियल जो है किक, एक बूस्ट आप दें। लेकिन एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट आपको बनाना चाहिए। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट पर भी हम एक वीडियो जरूर डालेंगे, आप आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या है, उसमें आप उसके बारे में जान पाएंगे। अब बात करें चौथी चीज़ की जो मैंने आपको बोली है, बेसिकली क्या है, स्किल पैशन फाइनेंसेस ये है। बट आप एक लेवल पे आने के बाद आपको स्ट्रेटजीज भी अपनानी पड़ती है, क्योंकि आप अगर प्रॉपर स्ट्रेटजी से काम नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपकी जो मेहनत है सारी की सारी वो खराब हो जाए। तो स्ट्रेटजी मतलब है राइट टाइम पे राइट चीज़ को पकड़ना। अब जीरोधा अगर एक बार उन्होंने प्रोडक्ट बना के उसको अपग्रेड ही नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है। तो ये पॉइंट उन लोगों के लिए रेलिवेंट है जो या तो न्यू एंट्रेंट्स हैं जो अभी मार्केट में एंटर कर रहे हैं, तो पहले देख लें कि आप रेड ओशन में एंटर कर रहे हैं या ब्लू ओशन में एंटर कर रहे हैं। अगर रेड ओशन है, ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आप उसमें कोई एक ऐसी कमी है, एक ऐसी चीज़ निकालें, या तो आप उन सबके साथ कोलेबोरेट करें, उनके ही सर्विस प्रोवाइडर बन जाएं जो रेड ओशन में आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, या फिर आप एक कोई ऐसी यूएसपी या ऐसी इनोवेशन या यूनिकनेस लेके आएँ कि आप अपना ही एक ब्लू ओशन बनाएं और मिनिमम से मिनिमम कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन के साथ आप काम करें जिससे कि आपकी ग्रोथ जल्दी हो जाए। तो स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको लाइव एग्जाम्पल दे सकता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कंपनी के बारे में पढ़ रहा था, कंपनी का नाम ऑक्सीजो करके है, गुड़गांव बेस्ड कंपनी है, तो इनकी फाउंडर है रुचि कालड़ा करके मैम है, और एक और भी इनके जो हस्बैंड है वो भी फाउंडर है, दोनों के अलग अलग यूनिकॉर्न्स हैं। ताजुब की बात है कि दो हस्बैंड वाइफ के, दोनों के अलग अलग सेपरेट यूनिकॉर्न्स हैं। तो इनके जो हस्बैंड साहब हैं उन्होंने क्या किया, जैसे उन्होंने देखा कि मार्केट में ना जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ठीक, उनके पास क्या है कि बहुत सारे उनको रॉ मटेरियल परचेज करने होते हैं, या कोई ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनको रॉ मटेरियल परचेज करने हैं, सेल करने हैं, तो उनको ना कैपिटल फ्लो की, कैश फ्लो की बड़ी दिक्कत थी। तो उन्होंने क्या किया, मिक्स कर दिया प्रोक्योरमेंट प्लस फाइनेंसिंग, प्रोक्योरमेंट और फाइनेंसिंग को मिक्स करके उन्होंने क्या क्या किया कि प्रोक्योरमेंट वालों को भी अपना क्लाइंट बना लिया और फाइनेंसिंग वालों को भी क्लाइंट दे दिए। तो इससे क्या हुआ कि दो अलग अलग चीज़ों को मिला के एक यूनिक मॉडल उन्होंने तैयार किया। डेफिनेटली इस केस स्टडी पे, मॉडल पे, बिजनेस मॉडल्स पे भी हम वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं इनके बारे में जानने में कि इस तरह से कैसे मॉडल्स काम करते हैं। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यूनिक मॉडल से या स्ट्रेटेजी से आप जो आपका रेड ओशन है उसमें आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप अपना, तो इन्होंने क्या किया इस केस में जो मैंने आपको बताया, इन्होंने अपने रेड ओशन जो अलग अलग दो रेड ओशन थे उनमें कॉम्पीट ना करते हुए अपना ही एक नया कॉम्बिनेशन बना के ब्लू ओशन में एंटर कर गए और बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। लगभग 40,000 करोड़ की कंपनी है इनकी, उड़ीसा के हैं ये, और आप सर्च कर सकते हैं इनके बारे में। इनकी जो कंपनी है ऑक्सीजो करके है एक कंपनी, और एक और इनकी दूसरी कंपनी है जो ये प्रोक्योरमेंट फाइनेंसिंग का काम करती है। तो ये चार चीज़ जो मैं आपसे अभी बताई, तो चारों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंस है, स्किल होनी ज़रूरी है, पैशनेट होना भी बहुत ज़रूरी है, कन्विक्शन तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपकी, पैशनेट आप होंगे तभी आप कन्विक्शन आपकी होगी, और उसके अलावा फाइनेंसिस को कैसे आपने देखना है कि आपकी क्या करंट पोजीशन है, उस हिसाब से आप पैसा लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं। हाँ, अगर 1-2 लाख रुपये भी नहीं है ना आपके पास तो आपको स्टार्टअप शुरू नहीं करना चाहिए स्ट्रक्चर्ड वे में, मैं ये नहीं कहूँगा कि शुरू ही नहीं करना चाहिए। हाँ, आप बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे, आप यूट्यूब पे आप आजकल देखते होंगे हाउ टू स्टार्ट बिजनेस विद नो इन्वेस्टमेंट। देखिए ऐसा कोई बिजनेस नहीं होता, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा अपनी स्किल एनहेंस करने में, एजुकेशन में, अपना बिजनेस सेटअप करने में, और ठीक से उसको ऑनलाइन प्रेजेंस बना के लॉन्च करने में। तो 1-1.5 लाख रुपये आपके पास प्रैक्टिकली होना चाहिए तभी आपको काम आप कर पाएंगे। हाँ, मैं अगर बात करूँ स्ट्रेटेजी की, तो स्ट्रेटेजी से जो इंडिया में है ना, इंडिया में ना जुगाड़ लगते हैं, जुगाड़, तो जुगाड़ से कुछ लोग होते हैं बड़े स्किलफुल होते हैं, 1 रुपया भी नहीं लगाते और बड़े बड़े बिजनेस खड़े कर देते हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ 1 रुपया लगाते, उसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया होगा, अपनी स्किल्स पर डेफिनेटली उन्होंने भी इन्वेस्ट किया होगा, अपना टाइम दिया होगा, टाइम इज ऑल्सो मोर मच मच मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर ही जो है एंड कर रहा हूँ, होप आपको ये लाइक अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार, मैं की ओर से।